पिछले वीडियो में मैंने आपको बिहार की रजाखानी गांव का स्थाई और अंतरा बताया। अब इस उपलक्ष्य में यानी कि इस समय मैं आपको रजाखानी गांव में छोटे छोटे आठ मात्रा के मूल पान आपको बताऊंगा। और मूल पान कैसे उठाना है और कैसे उसको बजाना है। आप पहले स्थाई सुनिए और उसके बाद मैं आपको कुछ दो चार पंक्ति जो है वो मूल पान के वो बताऊंगा। तो ऐसे है कि सम से शुरू करके और खाली तक ये आठ मात्रा की मूल तान अर्थात आठ मात्रा की तान बजाने के बाद हम बोल को उठाएंगे और फिर अपना चक्र को तीन ताल की सोलह मात्रा सम से लेकर खाली तक और खाली से लेकर सम तक। तो पहले मैं आपको पलटे बताऊंगा कि आठ मात्रा के पलटे आप अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो और ऐसे आप अगर याद कर लो तो बड़ी अच्छी बात है। तो पहला पलटा तो इस तरह है गा म प म गा म गा रे स स पा नी स स
नि स ग म प म ग म ग रे स स प नि स स नि स ग म प म ग ग रे स स प नि स स। अब एक एक पलटा किस प्रकार बजाएंगे खाली से राधे हुए। इसमें मीर का प्रयोग भी कर सकते हैं तानों में, यानी कि हमने तानों को सजाना है और जैसा भी आपका रियाज है अभ्यास है जैसे आपने सीखा है अपने उस्तादों से अपने गुरुओं से, तो वैसे तो ऐसे बात होती है कि शुरू शुरू में जैसे एक साल दो साल तीन साल, अब तो क्लासें वगैरह भी विद्यालयों में चलती हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोर्स को पूरा करने के चक्कर में कुछ गतों के रटन तो होती है, कुछ पलटे 8-10 पलटे कुछ गते और सिंपल सिंपल तरीके से। अब एक बात होता है दूसरा कि एक राग को पकड़ के खूब उसका रियाज किया, 40 दिन 50 दिन तक खूब रियाज किया, अलाप जोर बजाया, मीन का रियाज करो, कृंतन जमजमा हर चीज का तरीके से अभ्यास किया जाता है, और फिर उसमें आराम में मीटों का अभ्यास और तान पलटा छंद के बोलों का, यानी कि कई प्रकार के अभ्यास होते हैं जो एक्सरसाइज जो की जाती है। तो अब कुछ पलटे रट के भी बजाए जाते हैं, और रट के कितना पलटे, अगर काफ़ी देर बजाना हो तो तानों को बजाने का एक तरीका है, जैसे किसी तबले का छंद याद कर लिया और उसी के बोर्डों पर वो आप 16 मात्रा की तान है तो 16 मात्रा का छंद जो है तबले का, जैसे मतलब टुकड़ा है वो किसी अच्छे तबला वादक से या अपने कोई उस्ताद से आप उसको टुकड़ा ले लो और वो जैसे मिसाल के तौर पर जो है अब कुछ याद किए हुए ताने आप तो बजाओगे ही। अब वही बार बार बजाने में क्या होता है कि उकता सी मतलब है कि बोरिंग सी फीलिंग होती है। अब ऐसा हो कि आप यानी कि
खुद से चार ताने तो आपने सीखी हुई बजाई और बाकी चार या आठ ताने जो है वो आप उनका विस्तार करो, खुद से मतलब बजाओ बनाओ। तो ये तो कहने की बड़ी आसान बात लगती है लेकिन है आसान ही। तो इसके लिए काफ़ी रियाज करना पड़ता है, काफ़ी सुनना पड़ता है। तो ये मतलब सिंपल बात नहीं, फिर भी इसका अगर मेहनत की जाए तो अच्छा इसका परिणाम निकलेगा। तो ऐसे है जैसे एक टुकड़ा छोटा सा तबले का है, धागा तेरे की चित्तक तक, तेरे की चित्तक धीरे धीरे की चित्तक तक, तेरे की चित्तक। तो धागा तेरे की चित्तक तक, तेरे की चित्तक, ये हुआ आठ मात्रा तक। तो अगर सोलह मात्रा की करनी हो, धागा तेरे की चित्तक तक, तेरे की चित्तक धीरे धीरे की चित्तक तक, तेरे की चित्तक। तो ये दुगुन लय में सोलह मात्रा का छंद हुआ, सोलह मात्रा का टुकड़ा हुआ। अब इसको अच्छी तरह से याद करो। अगर आठ मात्रा का टुकड़ा बजाना, आठ मार के बोल ताल बजानी है, तो धागा तेरे की चितक तक, तेरे की चितक, धागा तेरे कीटी तक तक तेरे कीट तक। ये देखो आठ मात्रा की बोल ताल। अब इसके आगे हम अगर तिहाई जोड़ दें तो कैसा अच्छा लगे। तो धागा तेरे कीटी तक तक, तेरे कीटी तक, धागा तिट दा, दादा तिट दा, दादा तिट दा, धागा तेरे दा, नीसा गा मंगा, नीसा गा मंगा, नीसा गा मंगा, और धागा तेरे दा, धागा तेरे दा, किसी भी सुर में त्याई को आप बांध सकते हो।